स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी चैप्टर जो क्लास टेंथ के मैथ का एक्सरसाइज 8.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ की बहुत प्रकार के जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है उससे रिलेटेड बहुत प्रकार के क्वेश्चन हैं जिसको प्रूफ किया जाएगा। तो इन प्रूफ वाले क्वेश्चंस पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ बहुत प्रकार के सवाल आने वाले हैं। एक एक क्वेश्चनों को बड़ी सावधानी से समझना है। मुझे उम्मीद है कि अगर शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहो तो इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को तुम समझ पाओगे और इसको जब चाहो तुम बना सकते हो। आओ शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप गौर से देखो इस क्वेश्चन को। एट फर्स्ट जब मुझे LHS या RHS को प्रूफ करना होता है तो वैसे इस प्रकार के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो दोनों तरफ से प्रूफ हो सकते हैं। LHS से RHS को प्रूफ किया जा सकता है या RHS से चाहे तो LHS को भी प्रूफ किया जा सकता है या दोनों को ब्रेक करके। तीन प्रोसेस होते हैं किसी भी इस प्रकार के आइडेंटिटी को प्रूफ करने के। या तो LHS को ब्रेक करके RHS लाकर प्रूफ करना पड़ता है या RHS को जो है वो ब्रेक करके मुझे LHS लाना पड़ता है। तो दोनों ही कंडीशन प्रूफ होंगे। और जो तीसरा ऑप्शन होता है कि कुछ दूर LHS को ब्रेक किया जाता है और कुछ दूर RHS को ब्रेक किया जाता है, जहां दोनों इक्वल हो जाते हैं तो वहां भी हमारा यह थ्योरम जो होता है वो आइडेंटिटी मेरा प्रूफ हो जाता है। तो इस तीन प्रोसेस से इस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को प्रूफ किया जाता है। तो एट फर्स्ट यहाँ हम LHS से RHS की ओर जा रहे हैं। तो एट फर्स्ट हम LHS ले रहे हैं अपना। जो मेरा LHS है वो है cosec थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि मुझे कॉस में लाना है। तो इस एट फर्स्ट ये सब जो भी साइन कॉस में आने वाला है उनको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना। जैसे कॉस एक थीटा का क्या होता है, 1/sin θ, ठीक है। और कॉट का क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो इन सब क्वेश्चनों को मैंने साइन और साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या है कि इनको एलसीएम लेना है मुझे। तो दोनों में साइन थीटा है तो एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या बचेगा, तो दोनों का चूंकि सेम है एलसीएम तो दोनों का ऊपर वाला भी सेम आएगा, 1-cos θ और यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर। अब क्या देखो गौर से कि मुझे 1-cos θ लाना भी है ऊपर में। इसका मतलब 1-cos θ जो मुझे आया है ना इसमें किसी प्रकार की मुझे चेंजिंग नहीं करना है। तो अगर ये होल स्क्वायर है ना इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से, 1-cos θ इंटू 1-cos θ। मैं इसको दो बार लिख लेता हूँ, ओके। और नीचे में ये साइन का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा है, क्या हो गया ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको चाहे रिपीट अगेन, 1-cos θ इंटू 1-cos θ और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1-cos²θ, ठीक है। अब इसको मैं आगे ब्रेक करने जा रहा हूँ, गौर से देखो। तो अब यहाँ क्या होगा, ये ऊपर में जैसा है वैसा ही रहने दो, 1-cos θ इंटू 1-cos θ, ठीक। और नीचे में ये जो 1-cos²θ है ना, तो 1 को तो 1 का स्क्वायर भी समझा जा सकता है ना। 1 को कुछ भी पावर दे दो रिजल्ट उसका 1 ही होता है। अगर इसको 1 को 1 का स्क्वायर हम समझ लेना तो ये a²-b² की अल्जेब्रिक आइडेंटिटी हो जाएगी, a²-b², जिसका कि फॉर्मूला क्या होगा, a+b इंटू a-b। गौर से देखो, a²-b² यानी a+b इंटू a-b। ये सावधानी समझना है कि a²-b² का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, a+b इंटू a-b। तो यहाँ पर a के जगह पर 1 है और b के जगह पर cos थीटा है, तो 1+cos θ इंटू 1-cos θ और ये 1-cos θ मेरा कैंसिल हो जाएगा। और जो फाइनली रिजल्ट आएंगे वो क्या आएंगे मुझे, वो आएगा 1-cos θ बाय 1+cos θ। और यही तो मुझे लाना था। इसका मतलब मुझे RHS आ गया है और इज इक्वल टू RHS लिखकर यहाँ मुझे प्रूव्ड लिख देना है। तो स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चंस LHS RHS दोनों तरफ से प्रूफ होते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन क्या होगा, यहाँ तुमको स्क्वायर नहीं देगा और इस तरफ तुमको रूट दे देगा, तो बात एक ही होगी। अगर स्क्वायर की जगह मुझे रूट आएगा तो उस सवाल को भी इसी प्रोसेस से हम बना सकते हैं। वहाँ पर प्रायः कोशिश करना है मुझे कि RHS से LHS की तरफ आना है। तो ऐसे क्वेश्चंस किसी भी तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब मैं इसी क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लो। स्टूडेंट्स,
अब क्वेश्चन नंबर 5 का मैं 2 नंबर का क्वेश्चन जो है मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे जो आइडेंटिटी दी गई है वो है कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए और मुझे प्रूफ करना है इसको 2 सेक ए। तो एट फर्स्ट मैं इसे भी LHS से RHS प्रूफ करूँगा, ठीक है। एट फर्स्ट मैं क्या करूँगा, अपना LHS ले लेता हूँ। मेरा LHS क्या है, वो है मेरा कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए, ओके। और उसके बाद अगर मैं बात करूं सेकंड क्या है मुझे 1 प्लस साइन ए बाय कॉस है, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन मुझे करना क्या है कि मुझे लाना है 2 सेक, ठीक है। एट फर्स्ट यहाँ कुछ सोचना नहीं है, यहाँ सीधा एलसीएम ले लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, डिफरेंट है तो दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएंगे, यानी कि 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है, ठीक है। ये मुझे हो जाएगा एलसीएम। अब 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करूंगा तो ये 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस ए और कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा मुझे कॉस स्क्वायर ए प्लस। अब कॉस ए से डिवाइड करूंगा तो कॉस ए कैंसिल होकर बचेगा 1 प्लस साइन ए और इस 1 प्लस साइन ए को जब 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये कॉस स्क्वायर ए को कुछ नहीं करना है, रहने देना है इसको। और यहाँ जो है इसको होल स्क्वायर ब्रेक कर देना है, यहाँ a प्लस बी की होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 इंटू 1 इंटू साइन ए यानी कि 2 साइन ए ही हो जाएगा। 2 इंटू 1 तो 2 ही रहेगा, इंटू साइन ए यानी 2 साइन ए, ठीक है। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और नीचे में ये कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा ही छापते जाना है इसको, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है, ओके। अब क्या करना है, तुमको तो जान रहे हो कि साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए अगर थीटा इक्वल हो तो इसकी आइडेंटिटी 1 होती है, तो इन दोनों को पहले एक जगह मुझे कर लेना है, ये कॉस स्क्वायर ए और इसके साथ उस साइन स्क्वायर ए को ले लेना है, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में से ले लो और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, इसको 1 लिख दो। और ये है 2 साइन ए तो उसको 2 साइन ए ही रहने देना है। और नीचे में जैसा है वैसा ही रहने दो, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस है, ठीक है। यहाँ तक आ गए, अब तुम जान लो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, 1 होगी, यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि यह आइडेंटिटी होता है। तो रिजल्ट क्या होगा, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, कॉस से देखो तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होगा, 1 होगा ना, तो 1 ले लो, ठीक है। प्लस अगेन एक दूसरा 1 है, इसको भी ले लेते हैं, प्लस 2 साइन ए है, इसे ले लेते हैं 2 साइन ए। नीचे में बन रहा है मुझे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको लिख लो, ठीक है। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए, इस तरह से नोट कर लेते हैं इसको। और उसके बाद 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इसको छोड़ना नहीं, इसको लिखते जाना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, इसको कभी मल्टीप्लाई नहीं करना है फिलहाल यहाँ पर। अब यहाँ तुम ऊपर में 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, इस 2 के प्लस क्या बचेगा, 1 बचेगा। 2 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 1, 2 कॉमन हो गया, 1 बचा, प्लस यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, केवल साइन ए, ठीक है, बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब तुम गौर से देखो क्या दिखाई पड़ रहा तुम्हें, ये 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है और 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, तो क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, रिजल्ट क्या बचेगा मुझे, 2 बाई कॉस है, क्या बच रहा है, 2 बाई कॉस है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं, 2 बाय कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाय कॉस है। और तुम तो जान रहे हो ना कि 1 बाय कॉस ए की क्या होता है वैल्यू, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, यानी कि ये हो जाएगा सेक ए, 2 इंटू सेक ए यानी कि 2 सेक ए। और यही तो मुझे प्रूफ करना था, 2 सेक ए यानी कि मुझे RHS आ चुका है, RHS, और यहाँ पर प्रूफ लिख देना है। तो इस प्रकार से जो यह आइडेंटिटी है यह हमारी प्रूफ हो चुकी है, LHS को मैंने लिया और RHS तक हम लोग पहुँच गए। इस प्रकार का क्वेश्चन तुमको जहाँ भी मिलेगा उसको इसी प्रोसेस से सॉल्व करना है और RHS फाइंड कर लेना है। अब मैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लो। स्टूडेंट्स अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखो कैसे सॉल्यूशन करेंगे।
यहाँ जो मुझे क्वेश्चन है, टेन थीटा बाय वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय वन माइनस टेन थीटा, और इसको प्रूफ करना है वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉस एक थीटा। तो एट फर्स्ट हम इसे LHS से RHS प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना LHS ले लेना है। मेरा LHS क्या है, वो है टेन थीटा बाय वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय वन माइनस टेन थीटा, ओके। अब इन सारे को क्या करना है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, जो जो जिसमें आ सकता है उसमें कन्वर्ट कर लेना है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ओके। और यहाँ पर वन माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, प्लस। अब यहाँ कॉट है, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। नीचे में वन माइनस टेन थीटा, टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा को फिलहाल रहने देते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा को फिलहाल रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ एलसीएम लेंगे वन बाय वन करके, तो वन और साइन थीटा, एलसीएम में क्या आएगा तुम्हें, साइन थीटा ही आएगा ना, और वन से साइन थीटा को साइन थीटा टाइम्स में इंटू वन, यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा तुमको, साइन थीटा आएगा माइनस साइन थीटा सेम है यहाँ, यानी कॉस थीटा आने वाला है, ओके, प्लस। अब इसकी बात करें अगर, तो क्या है यहाँ पर, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, जो जैसा है वैसा इसको रहने दो, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और यहाँ पर फिर एलसीएम ले लो अगेन वन करके, तो क्या आएगा रिजल्ट यहाँ पर एलसीएम में, वो तुमको आएगा कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा तुमको कॉस थीटा माइनस, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, ओके। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल कर देते हैं नीचे वाले को, ताकि एक समान हो जाएगा। तो वहाँ गौर से देखो क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा है, ठीक ना। और इसका जब रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा, साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हो, प्लस। अब इसको क्या करना है मुझको, कॉस थीटा बाय साइन थीटा जो है ऊपर में उसे लिख लेना है, और इनटू ये नीचे वाला क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसको ऐसे ब्रैकेट में ले लो, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, इसको गौर से देखो। अब ये साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो उसको इस तरह से रहने दो कि क्या है, कॉस थीटा क्या है मुझे, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ओके। अब इसकी बात करता हूँ मैं, यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा लिख लो, और नीचे में जो है साइन थीटा इंटू ये ब्रैकेट कॉस माइनस साइन, ये दोनों एक साथ अटैच हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। जब गौर से देखते हैं इस दोनों को, तो ये कॉस थीटा है, ये साइन थीटा है, दोनों तो डिफरेंट है, बट इन दोनों ब्रैकेट में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, ये साइन माइनस कॉस है, ये कॉस माइनस साइन है। अगर मैं माइनस किसी से कॉमन ले लूँ ना, तो दोनों ब्रैकेट सेम हो जाएंगे, और फिर मुझे क्या होगा, एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। तो एट फर्स्ट हम क्या करते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ताकि ये माइनस साइन थीटा मुझे प्लस साइन थीटा हो जाए इसकी तरह, और ये जो प्लस कॉस थीटा है ना, वो चेंज होकर माइनस कॉस थीटा हो जाए इसकी तरह। तो यहाँ देख लो, साइन स्क्वायर थीटा बाय ये जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है ना, इसको रहने दो, उतार लो जैसे तैसे, ठीक है। और यहाँ से माइनस को कॉमन लेंगे, ठीक है, माइनस कॉमन लेके यहाँ बाहर आएगा, और ये जो यहाँ प्लस है ना, उसमें मल्टीप्लाई होकर उसको माइनस बना देगा। माइनस इस ब्रैकेट से कॉमन ले रहा हूँ, और वो बाहर आएगा, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, जब माइनस नीचे में आता है तो वो क्या होता है, ऊपर चला आता है, और ऊपर में यहाँ पर प्लस से मल्टीप्लाई होकर अगेन माइनस हो जाएगा। तो अब ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं होगी, नीचे में क्या है, साइन थीटा। और ये माइनस क्यों आया, कि मैंने इससे माइनस कॉमन लिया है, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा प्लस, यानी दोनों का साइन चेंज होगा, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, साइन चेंज, ये प्लस कॉस थीटा से माइनस कॉस थीटा होगा, और ये प्लस साइन से माइनस साइन थीटा से प्लस साइन थीटा, तो माइनस कॉस प्लस साइन,
तो माइनस पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग प्लस साइन को लिख लेते हैं, प्लस साइन थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा को लास्ट में लिखते हैं। अब तुम देखोगे कि यहाँ तुम्हें एलसीएम लेना आसान हो गया, यहाँ से माइनस कॉमन लिया है तो ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गया, सेम हो चुका है अब, ठीक है। और यहाँ का साइन प्लस से माइनस हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, गौर से देखो, एलसीएम लेना बहुत ही आसान है। कॉस थीटा इसके पास है, इसके पास साइन थीटा है, दोनों डिफरेंट है, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ये दोनों हो जाएगा। और साथ ही साथ अब क्या है कि ये जो ब्रैकेट दोनों का है ना, वो दोनों ब्रैकेट क्या है, वो सेम है ना, तो दोनों के बदले में केवल एक ही ब्रैकेट मुझे लेना होगा, वो है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ क्या होगा। तो कॉस थीटा और ये ब्रैकेट से जब डिवाइड करेंगे ना, तो कॉस थीटा और ये ब्रैकेट कट जाएगा, बचेगा केवल साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा तुमको साइन क्यूब थीटा, ठीक है। माइनस उसी तरह से साइन थीटा और ये ब्रैकेट दोनों कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइड करने पर क्या बचेगा, कॉस थीटा, और कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगी है। क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है आइडेंटिटी, वो होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। तो मुझे इसी को यहाँ पर यूज़ करना है, ए के जगह पर साइन थीटा और बी के जगह पर कॉस थीटा है, तो यहाँ भी हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये मुझे यहाँ लिखना है। देख लो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब के आइडेंटिटी पर, ठीक है। और ये नीचे में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तुम देख सकते हो ये दोनों ब्रैकेट सिमिलर हैं, सेम हैं, इसको हम इस तरह से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब ऊपर में गौर से देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी क्या आइडेंटिटी होती है, वन होती है ना, इसके जगह मुझे वन लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, वन, इसको वन लिखना है, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बाय बच रहा मुझे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब मुझे यहाँ से क्या करना है, इन इन से ये जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर से दोनों को अलग अलग सेपरेटली डिवाइड कर देना है। तो वन को डिवाइड करेंगे तो वन बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो गौर से देखो क्या हो जाएगा, वन बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ क्या होगा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ओके, अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, गौर से देखो क्या होगा, यहाँ यहाँ पर साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉस भी कैंसिल होगा, यानी फाइनली रिजल्ट वन बचेगा। और ये क्या है तुम्हारा, वन बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वन बाय साइन थीटा इंटू वन बाय कॉस थीटा, वन बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा क्या लिख सकते हैं हम लोग, वन बाय, पहले कॉस है तो पहले कॉस ही लिख दो, ठीक है, वन बाय, दोनों को चेंज कर देता हूँ मैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा रिजल्ट, ये वन बाय कॉस थीटा इंटू वन बाय साइन थीटा, और फाइनली लास्ट में यहाँ क्या बच रहा है मुझे, प्लस वन, तो प्लस वन लिख देते हैं इसकल टू, ठीक है। वन बाय कॉस थीटा का क्या होता है फॉर्मूला भाई, सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा, क्योंकि कॉस सेक का रेसिप्रोकल होता है, मैंने फर्स्ट वीडियो जो हमारा था वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसमें मैंने ये बताया था कि वन बाय जो कॉस थीटा है वो क्या है, सेक थीटा होता है, इंटू वन बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉस सेक थीटा, ठीक है, प्लस वन, और ऐसा ही मुझे लाना था, लेकिन सवाल मुझे इस फॉर्म में है, तो जिस फॉर्म में है मुझे आरएचएस उसी फॉर्म में लाकर वही मुझे आंसर छोड़ना है, यानी वन प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, इस प्रकार से यह मुझे प्रूफ हो जाता है, इजकल टू आरएचएस प्रूव्ड, इस तरह से मुझे लिख देना है, और इस प्रकार से यह क्वेश्चन मुझे क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ यह तुम्हें समझ में आया होगा, और इसको आसानी से इसको जो है तुम लोग नोट कर लो। अब मैं अगले क्वेश्चन की ओर आ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर फाइव का जो क्वेश्चन नंबर फोर है,
हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। यहाँ मेरा LHS है 1 प्लस sec a बाय sec a, और इसको प्रूफ करना है साइन स्क्वायर a बाय 1 माइनस cos है। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है कि इस क्वेश्चन को LHS लेकर चलना है, RHS तक पहुँचना है। अगर RHS नहीं आएगा तो फिर RHS को ब्रेक करेंगे, और जहाँ दोनों इक्वल हो जाएंगे वहाँ पर हम इसको प्रूफ मान लेंगे। तो इसमें LHS और RHS शायद दोनों को ब्रेक करना पड़ेगा, देख लेते हैं। एट फर्स्ट हम लोग LHS लेते हैं, ठीक है। तो मेरा LHS क्या है, 1 प्लस sec a बाय sec a, ठीक है। यहाँ है 1 प्लस sec a बाय sec a, ओके। अब जो है इसको जरा गौर से देखो, करना क्या मुझको, चूंकि साइन और कॉस में लाना है ना, तो सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देना है। तो 1 प्लस sec a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 बाय कॉस a, बाय sec a को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस a, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसका LCM ले लें, ठीक है। ऊपर में LCM लेते हैं बाय 1 करके, तो क्या रिजल्ट आएगा LCM भाई, तो LCM में तुमको 1 और cos a का LCM क्या होगा, वो cos a ही आएगा। 1 से डिवाइड करोगे cos a टाइम्स में इंटू 1, यानी कि यहाँ पर cos a होगा, प्लस cos से cos 1 टाइम्स 1 इंटू 1 1 होगा, तो cos a प्लस 1 हो रहा है वहाँ पर। और नीचे में क्या होगा, 1 बाय कॉस है, क्या आ रहा है, 1 बाय कॉस है। अब नीचे वाले को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, क्या हो जाएगा ऊपर में, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बाय कॉस ए इंटू, ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा और कॉस ए बाय 1 हो जाएगा। यहाँ तुम देखोगे कि कॉस ए और कॉस ए तुम्हारा कैंसिल हो जाता है, और जो फाइनली मुझे क्या बचता है वो देखो, वो बचता है केवल कॉस ए प्लस 1, क्या बचता है, कॉस ए प्लस 1। अब यहाँ से आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं वो थोड़ा डिफरेंट है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से यहाँ तक आ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए कर अब हम यहाँ से RHS को ब्रेक करेंगे। अब यहाँ हम लोग अपना RHS लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि RHS भी इतना आता है अगर, तो दोनों क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो RHS मुझे क्या है, वो है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, वो आती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है बाय, यहाँ नीचे में है 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए जो है, 1 को अगर 1 का स्क्वायर समझ लो ना तुम, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जिसका क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले को तोड़ दो, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। गौर से देखो, इसको अंडरस्टैंड करो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 को 1 का स्क्वायर समझ लेंगे तो क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया तुमको ए स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर, यानी एक बार क्या करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करना है। तो ए प्लस बी की जगह पर क्या होगा, ए की जगह 1 लेना है मुझको, तो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, तो कुछ ऐसा ही मैंने यहाँ पर लिखा है, 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और नीचे में क्या है, 1 माइनस कॉस है। तुम देख सकते हो 1 माइनस कॉस है और 1 माइनस कॉस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पर कॉस ए प्लस 1 और ये 1 प्लस कॉस ए, बोथ आर सेम, ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों सेम ही है, इसका मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल हो चुका है। इसको भी हम इस तरह से लिख दें कि कॉस ए प्लस 1। अब LHS का जो वैल्यू है वही वैल्यू RHS का भी है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, और फिर यहाँ फाइनली हम लोग प्रूफ लिखेंगे। जहाँ LHS और RHS दोनों को ब्रेक करना होगा, वहाँ मुझे फाइनली लास्ट में LHS इज इक्वल टू RHS लिखकर ही प्रूफ लिखना है। तो स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों को सावधानी से देखना है और इस चैप्टर को आराम से बनाना है, और आज की इस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन था, और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को लेकर आएंगे, और इन क्वेश्चनों को तब तक आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे। ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आइडेंटिटी का जो फार्मूला है, और मैंने जो बताया था प्रोडक्ट फार्मूला, आइडेंटिकल फार्मूला और प्रोडक्ट फार्मूला, दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, और उसके बाद उनको अप्लाई करके इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्यूशन किया जाता है, ठीक है। तो और अगर मेरी वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहोगे, इन सारे प्रकार के प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। और अगर तुम इस चैनल पर भी नए आए हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसको अधिक से अधिक शेयर भी करना है, ताकि और भी स्टूडेंट को यह वीडियो बेनिफिट दे सके
दैट्स ऑल।